गाड़ी में रखी हुई थी और जम गया रात भर में। और टेम्परेचर दोस्तों 0 पहुंच गया है। बाय बाय काजा दोस्तों, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ये है दोस्तों ब्लू शिप भरल। एंड वेलकम अगेन टू हार्दिक अप सिंड्रोम। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए दिन में और एक और नई वीडियो में हार्दिक के। हार्दिक कैसे हो बेटा? सभी फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है विंटर स्पीति की, जिसका 7वां दिन है। और काजा में आफ्टर स्टेइंग फॉर 3 nights and 4 days आज हम यहाँ से जाएंगे रिकोंगपियो के लिए। और रास्ते में यदि कुछ साइट सींग हुई तो वो देखेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट हम रिकोंगपियो जाएंगे फ्रेंड्स। और बहुत अच्छा लग रहा है, हम सब सेफ हैं, सुरक्षित हैं और हैप्पी हैं और सेटिस्फाइड हैं दोस्तों। हाँ जी, चाय पी लो गाइस। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप प्लीज सपोर्ट बनाना अपनी, हमने इतनी मेहनत की है, हार्दिक ने इतनी मेहनत की है, इतनी जंग इसने जीती है ये। और वी होप कि हम ठीक ठाक घर भी पहुँचेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे। बाहर कुछ ऐसा नज़ारा है, मैं लगभग हर बार आपको दिखा देता हूँ। सामने चल रहा है आइस हॉकी का टूर्नामेंट, हम गए भी थे 2 दिन पहले दोस्तों। यहाँ देखिए ये खिड़की से नज़ारा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ 3 रातें और 4 दिन रुके, और जो आपने सर्विस दी, जो सेवा की, बिल्कुल घर जैसी थी। और हमें याद आएगी आपकी। और बहुत 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 अच्छा लगा, खाना एकदम बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो जब भी आएंगे यहीं। हाँ जरूर जरूर आएंगे दोबारा। ओके जी, हाँ ठीक है, थैंक यू। और दोस्तों ये चल रहा है वो मैच जो मैं आपको अक्सर खिड़की से दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए दोस्तों, पानी की बोतल गाड़ी में रखी हुई थी और जम गया रात भर में। देखो दोस्तों अब चल पड़े हैं काजा से रुकेंगे की तरफ। यदि मौसम ने साथ दिया तो रास्ते में मोनेस्ट्री है, उसको विजिट करेंगे दोस्तों। चलते हैं। हार्दिक ठीक हो? ठंड लग रही है? क्यों, गर्मी लग रही है? नहीं। कुछ नहीं लग रहा? ये अच्छा, इस पहनने से क्या होता है। चलो चलते हैं दोस्तों। बाय बाय काजा दोस्तों, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। वाइट स्पीति देखने को मिली और जो होम स्टेज थे बहुत अच्छे थे, जो सीनिक ब्यूटी है बहुत अच्छी थी। मन में आ रहा था जैसे कि एक अलग हम वर्ल्ड में आ गए हों। सब कुछ अलग है जो हम नॉर्मल देखते हैं। और दोस्तों हमारा ये एक ड्रीम ट्रिप थी जो लगभग अब कंप्लीट हो गई है। हालांकि 2 दिन अभी और हैं, लेकिन काजा जो मेन था रुकने का, वो सपना दोस्तों पूरा हो चुका है। दोस्तों ब्लू शिप भरल पूरा उनका ग्रुप है, और लकीली वी गॉट अ चांस टू कैप्चर देम। देखिए आप भी, और ये बर्फ बर्फ को खा रहे हैं। देखो हाँ हाँ, बर्फ को खा रहे हैं। वेरी नाइस, सो लकी वी आर। Thank you.
दोस्तों इनमें जिनके सींग है ना दे आर मेल्स, और जो विदाउट हॉर्न्स हैं दे आर फीमेल्स। हम चल रहे हैं ग्यू मॉनेस्ट्री की तरफ, और एक खुशखबरी आपको मैं दे दूं अभी, तो अभी हमें ताबो के पास और टेम्परेचर दोस्तों जीरो पहुंच गया है। तब से ये वर वेटिंग -19, -22, -27 और अब जीरो आ गया, तो ये कपड़े थोड़े थोड़े से अब खुजली करने लगे, सच में। चलो ठीक है दोस्तों, फिर से यही ताबो में हम, ये ताबो केव्स दिखाई थी आपको। छोटे से डी ब्रेक के लिए और दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं ग्यू मॉनेस्ट्री, ये रास्ता है ग्यू मॉनेस्ट्री के लिए। तो सामने पहाड़ देख रहे हो आप, इसके दूसरी तरफ है चाइना कोरिक विलेज, जो गांव है बॉर्डर पर है वो, देखिए। और दोस्तों जैसे पास आए ना बॉर्डर के, कार्तिक के पास है आईफोन और इसमें टाइम फिर चाइना का। कार्तिक क्या टाइम दिखा रहे तेरे फोन में? 5:05 और वैसे बजे यहाँ 2:30, बिल्कुल पास आते ही टाइम चेंज फोन में। दोस्तों 30 रुपये पर पर्सन की स्लिप कटी है और वो सामने है ग्यू मॉनेस्ट्री, चलते हैं। और ये है दोस्तों एक प्यारा सा छोटा सा गाँव जिसका नाम है ग्यू, और इसके आगे मॉनेस्ट्री है, अभी आपको ले चलते हैं मॉनेस्ट्री। और ये दोस्तों फाइनली हम पहुंचे ग्यू मॉनेस्ट्री। तो दोस्तों ये है ग्यू मॉनेस्ट्री जो अराउंड 10,000 फीट पर है, और इसका कंट्रोल ITBP करती है बिकॉज ये बॉर्डर के पास है। और इसकी खासियत ये है कि सामने जो रूम है उसमें एक मम्मीफाइड बॉडी है जो यहाँ पाई गई थी एक मॉन्क की, तपस्या की रूप में तपस्या कर रहे थे वो, ऐसा प्रतीत होता है जब वो उसको देखते हो। मम्मी को भी दिखाऊंगा आपको मैं, और बहुत साल पुरानी है दोस्तों ये, ऐसे अपने प्रकार की एक ही है हमारे इंडिया में। चलिए अब वो देखते हैं दोस्तों मम्मी। तब घर में बोलते मम्मी बोलते ना वो, नहीं ये है मम्मी। जब कोई डेड बॉडी हो जाती है ना तो उसको ऐसे बना देते हैं, और ये ऐसे मिले थे, ये संत है मॉन्क संत है ये, हाँ ऐसे मिले थे पूजा करते हुए, ठीक है। ये मंदिर, हाँ मॉनेस्ट्री, ठीक है। अब ये अब समझ में आ गया क्या ये मम्मी है? हाँ मम्मी मम्मी
ये इनके बारे में लिखा गया है सारा। ये दोस्तों आप भी पढ़ सकते हो पॉज करके वीडियो, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखिए तो टैटू कार्बन 14 डेटिंग से यह है पता लगा है कि ये सन 1430 ईस्वी से तपस्या के आसन में थे ये मॉन्क। कब देखो दोस्तों हटना बेटा एक बार बस। थैंक यू। चलिए दोस्तों अब चलते हैं रुकेंग पियो। मोनेस्ट्री देखिए दोस्तों अच्छा लगा, खासकर जो मम्मीफाइड बॉडी थी बिल्कुल जैसे पोस्चर होता है ना तपस्या के जो रूप में थी बिल्कुल वो, तो अच्छा लगा दोस्तों कुछ ना कुछ सीखने को मिला। इतनी दूर आए थे इतने ऊपर आए, तो अब आगे चलते हैं। मलिकनाला एकदम से फ्रोजन देखिए। से जैसा आपने देखा होगा हम पहुंच गए थे अपने होम स्टे पे रिकोंग पियो, और ऑफिशियली दोस्तों कल हमारा लास्ट डे है, आज सेवंथ डे है, कल एट्थ डे होगा, तो कल हमें शिमला ड्रॉप कर देंगे ये लोग। और बहुत अच्छा रहा दोस्तों आपने देखा होगा, अब थोड़ा सा फ्रेश होके अब तो मैं और रजनी नहा लिए हैं, कार्तिक नहाने की तैयारी कर रहा है और हार्दिक भी नहाएगा, उसके बाद डिनर करेंगे और दोस्तों सुबह मिलेंगे आपसे। ठीक है हार्दिक, बाय बाय बोलो सबको। ठीक है दोस्तों इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट आपसे, जो जिन लोगों ने अभी तक ये सीरीज़ देखी है ये व्लॉग देखा है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं आपसे हार्दिक के अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।